शुभम कह रहे हैं कि बीएससी नॉन मेडिकल पर के लिए वीडियो बना दिया, सब्जेक्ट आर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इंग्लिश एंड पंजाबी जनरल। तो ये सिर्फ ये समझ लीजिए पहले कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से बनते हैं। नॉन मेडिकल का है, फिजिक्स बेस्ट कौन सा बनता है आपका, पहले बेस्ट पर ही फोकस कीजिए। ये रहा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, दो आपने पढ़े हैं, तो साइंस आपका पहला मेजर सब्जेक्ट बना है। तो वहां जाके कॉलेज में जाके मैथ्स माइनर भी ले सकते हैं, दूसरा आप मैथ्स को भी मेजर ले सकते हैं। अगर मैथ्स को मेजर लेते हैं तो आपको माइनर इंग्लिश जहाँ पंजाबी वो लेना पड़ेगा। बेस्ट आपके लिए कॉम्बिनेशन जो साइंस मैथ्स ही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल बन रहे हो, कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फील्ड है, पीएस टेट देना है, सी टेट देना है, उसमें तैयारी करनी है, और उसमें 60 क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो दैट इज़ वाई जब लैंग्वेज में जाओगे आप तो आपको थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज एरिया ज़्यादा है तो आप रेफरेंस बदल सकते हो। दूसरी है कि ये हो गया मेजर सब्जेक्ट कौन सा बनता है, पहला बताया मैंने साइंस, इसके बेस पर दूसरा आपका मैथ्स बनता है। अगर मैथ लेते हो तो जाके माइनर साइंस नहीं मिलता नॉर्मली, ओके। अगर मैथ्स मेजर फिल करते हो तो लैंग्वेज जो है वो माइनर मिलेगा, बाद में मेजर और माइनर कोई नहीं रह जाता। अब अगर और आप चाहते हो तो आपका फिजिक्स के बेस पर आपका फिजिकल साइंस मेजर बन सकता है, अगर आप पीजीटी की तरफ जाना चाहते हो, टीजीटी की तरफ नहीं। साइंस पढ़ के आप टीजीटी के लिए जा रहे हो और फिजिकल एजुकेशन पेडागोजी पढ़ के आप पीजीटी के लिए जा रहे हो। ऐसे ही केमिस्ट्री भी आपका वो वही बंदे हैं, दोनों ही फिजिकल साइंस बन रहे हैं आपके। ऐसे है कि अब आपने एक जो एनसीटी के और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिए गए हैं कॉम्बिनेशन, उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, लेकिन आपकी क्लियर गाइडेंस है कि आपको जाना ही ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जहां सेकंड कॉम्बिनेशन है उस ही साइंस आप मेजर ले रहे हो, माइनर जाके कॉलेज में मैथ्स लोगे, ये आपका नंबर वन रैंक, 1A लिख दिया, 1 लिख दिया इसको मैंने। हाँ, दूसरा अगर आप लैंग्वेज की तरफ जाना चाहते हो तो साइंस मेजर फिल करके, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज आप चेंज कर लेते हो कि मेरे को अच्छा कॉलेज नज़दीक मिल रहा है, लेकिन वहाँ साइंस और मैथ नहीं है, साइंस लैंग्वेज मिल रहा है, तो ये मत प्रेफर कीजिए। अगर आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट ज़्यादा है फिर प्रेफर कर सकते हैं। साइंस मेजर करके माइनर आपका लैंग्वेज जनरल के बेस पर बनेगा। लैंग्वेज आप लेते हो तो आपको एडिशनल पेपर ग्रेजुएशन के 3 साल के देने पड़ेंगे, बेशक वो 6-7-8 महीने में हो जाते हैं, उसके बाद ही आप लैंग्वेज के लिए एलिजिबल बनोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिजिकल साइंस आप देते हो तो आपको एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। इट मीन्स ये लंबा चक्कर है। मैथ्स के लिए आप मैथ रख के टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एमएससी मैथ्स कर लेते हो तो फिर पीजीटी के लिए भी एलिजिबल बन जाते हो। अगर आप फिजिकल साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस लेते हो, वो जो मैं डिस्करेज करता हूँ थोड़ा, क्योंकि कंप्यूटर की पोस्ट कम निकलती है, और मेरे ख्याल में आपने 3 साल इसमें कोई नहीं पढ़ा, तो ये पता नहीं कैसे कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया हुआ है, इसको डिस्करेज कीजिए। रेयर केस होंगे, उसके लिए अलग से वीडियो गाइडेंस आप पूछ लीजिए। तो फिजिकल साइंस के साथ साइंस लेके आप क्या करते हो, जैसे इधर एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री करके आप फिर पीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो, और साथ में टीजीटी साइंस भी मिल रही है। ये भी शायद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती होगी, क्योंकि एक ही आपने वो पढ़ी हुई है, और साइंस एक के बेस पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ऐसे दे सकते हैं। अगर आप मेजर सब्जेक्ट मैथ फिल करते हो तो आपको लैंग्वेज ही मिलेगी, जो पीछे बता के आया हूँ। लैंग्वेज फिर आपको एडिशनल पेपर 3 साल का बीए का देना पड़ेगा। ये आपकी प्रेफरेंस है, आपका नॉलेज और इंटरेस्ट लैंग्वेज में ज़्यादा है तो शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट प्रेफरिंग सुजेस्टिंग। फिजिकल साइंस के साथ भी लैंग्वेज ले सकते हो। अब यहाँ क्या हो गया कि फिजिकल साइंस लेते हो तो ऐसे ही एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री करके पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लैंग्वेज के लिए आप फिर आपको एडिशनल देना पड़ेगा, दैट इज़ वाई इन दोनों के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल नहीं हो। इधर एमएससी करके है, इधर 3 साल के ग्रेजुएशन के एडिशनल पेपर इंग्लिश या पंजाबी जो भी आप फिल करते हो उसके देने के बाद आप एलिजिबल होगे। नेक्स्ट आपका बनता है साइंस और कंप्यूटर साइंस। साइंस के लिए तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाओगे, उसकी जगह पर यहाँ मैथ था, ये बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस के कारण ये डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल आप नहीं पढ़े होगे, और गवर्नमेंट जॉब में आपको 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पर तीन ये भी आपने पढ़े हुए हैं, दैट इज वाई बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज।
कंप्यूटर पहला फिल करके ये नॉनसेंस होगी, इसके प्रेफर नहीं करना। अगर कोई बहुत प्रेफर्ड एरिया आपका है अलग से कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर इसका उत्तर दे दूंगा। सो बेस्ट आपके लिए ये बन रहा है। बाकी आपकी पीजीटी का बहुत कईयों को साइंस वालों को है वो नंबर ऑफ पोस्ट, मैं एक वीडियो में दिखा देता हूँ कि पिछले साल पंजाब में कौन सी पीजीटी के लिए लेक्चरशिप के लिए निकली है, उसको देख के आप अपना प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो इसी वीडियो के नीचे आप दीजिए कि साइंस वाली कैटेगरी में आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू।